मधुपुर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा निरीक्षण के लिए मधुपुर स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन परिसर समेत फुटओवर ब्रिज, साफ सफाई, हॉस्पिटल, सर्कुलेटिंग एरिया, पेयजल सहित स्टेशन के विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया व संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वो रेल यात्रियों से उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली। वहीं मौके पर मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन, वार्ड पार्षद शबाना प्रवीण सहित बुद्धिजीवी लोग मिलकर रेल महाप्रबंधक को मधुपुर स्टेशन में यात्री सुविधाओं सहित एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनों की परिचालन बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मौके पर पूर्व रेल महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने कहा, खतरा अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूर्व रेलवे सतर्क है और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ट्रेनों के परिचालन को पुनः शुरू कर दी जाएगी। मौके पर आसनसोल रेल मंडल के प्रबंधक परमानंद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, अधिकारी समेत आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान मौजूद थे। इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। खेल का ये मधुपुर रेलवे ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। आज के दिन वो बिल्कुल वीरान है सर। मैं चाहता हूँ आप उसको डेवलप करें। दूसरी चीज है मधुपुर बैडमिंटन हॉल एंड मधुपुर सिनेमा हॉल, ये आपका कबाड़ी खाना बना हुआ है सर। या तो रेल उसको डेवलप करे और नहीं तो नगर परिषद को पीपी मोड पर दे दिया जाए ताकि उसको हम मैरिज हॉल और कुछ बेहतर चीज बना के उसका राजस्व रेल को भी मैं दूं और हमारा नगर परिषद भी साफ सफाई में लगा रहता है। तो ये हमारा एक अहम मुद्दा है मधुपुर। प्रपोजल दे दिया जी सर। मैं प्रपोजल दिया शौचालय नहीं है तो महिलाओं को ज्यादा परेशानी आती है। शौचालय कहाँ पे नहीं है तो खुला नहीं है सर, कोई चालू नहीं है। रख रखाव के अभाव में सर, उसका मेंटेनेंस के अभाव में वो बंद पड़ा है या तो फिर टूट फूट के डैमेज हो चुका है सर। और इस तरह से ये रंग रोगन का काम सिर्फ ऑफिसर्स को दिखाने के लिए होते हैं या तो फिर सर अगर ये डेवलपमेंट के काम जी, मैं वार्ड पार्षद हूँ। अच्छा वार्ड पार्षद जी, वार्ड पार्षद हूँ। तो ये रंग रखाव, ये जो जंगल झाड़ की सफाई है और ये सफाई का जो मेंटेनेंस हो अभी हुआ है सर, ये सालों साल चलता रहे ताकि लोगों को कन्वीनियंस हो, लोगों को आने जाने में, उठने बैठने में साफ सफाई में सारी सुविधा मिले। देखिए अभी वहाँ पे काम तो अभी प्रोग्रेस हो रहा है, बट मेरे को जो लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस 2022 में जो आने वाला साल है इसके अंदर सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हो जाएगी और हम करीब करीब कमिश्निंग के आसपास पहुंचने लगेंगे इस साल में। एक साल लगेगा इसको पर हो जाएगा। और नहीं देखिए ऐसा है कि वो सब जो मुद्दे हैं, जो बंद हुई गाड़ियाँ पेंडेमिक में, फिर स्पेशल चली, फिर कुछ वर्किंग टाइम टेबल के अंदर भी डिसीजन लिया गया जी। तो वो सब मुद्दे जो हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहे हैं अब, क्योंकि जैसे जैसे पेंडेमिक कंट्रोल में आ रहा है आप खुद ही देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कितने दिन तक चलता रहा, बाकी सारी कंट्री में गाड़ी चल गई पर वेस्ट बंगाल में सबसे लास्ट में खुली जी। पर अब नॉर्मल हो गया, करीब करीब 2-4% गाड़ियां बची हैं, उसको भी हम देख रहे हैं कैसे हम रिवाइव करेंगे। वी विल डू इट, ठीक है ना, हम करेंगे उसको। के ने ये परमिट कर दिया है कि भाई कि अनारक्षित के अंदर जा सकते हैं, वहाँ तो ठीक है, पर जहाँ पर नहीं परमिटेड है कि इवन अनारक्षित डब्बे के अंदर भी वो चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इतने ही लोग बैठे, वो तो आप सब लोगों के भले के लिए ही कह रहे हैं। देख ही रहे हैं आप ओमिक्रॉन आ गया है हाँ। तो इसलिए बेटर ये है कि अभी हम लोग थोड़ा सा अपने आप को उससे बचा के रखें। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।